पबजी खेलने के दौरान हुए प्यार में सचिन के लिए नेपाल के रास्ते पाकिस्तान से रबपुरा आई सीमा हैदर की परेशानियां अब बढ़ने वाली हैं। पुलिस तमाम सबूतों के साथ चार्जशीट तैयार कर कोर्ट में पेश करने की तैयारी कर रही है। कोर्ट में सुनवाई के बाद वापस जेल जाना पड़ सकता है। दूसरी ओर पुलिस ने सीमा हैदर और उसके चार बच्चों के कागजात और पासपोर्ट की जांच करने के लिए पाकिस्तान एम्बेसी भेजे हैं। पाकिस्तान एम्बेसी के अधिकारियों से पूछा गया है कि क्या सीमा हैदर उनके देश की हैं और दस्तावेज सही हैं या नहीं। डीसीपी शाद मियां खान ने बताया कि सीमा हैदर के पास से दो वीडियो कैसेट, चार मोबाइल फोन, 5 अधिकृत पाकिस्तानी पासपोर्ट और अधूरे नाम और पते के साथ एक अप्रयुक्त पासपोर्ट और एक पहचान पत्र बरामद किया गया था। पुलिस सीमा के मोबाइल फोन की फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार भी कर रही है। दूसरी ओर सीमा हैदर के तमाम दस्तावेज और सबूतों के साथ चार्जशीट बनाई जा रही है। चार्जशीट जल्द ही कोर्ट में पेश की जाएगी, उसके बाद कोर्ट फैसला करेगा कि वह जेल जाएंगी या अभी उन्हें बाहर रहने की इजाजत दी जाएगी। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि सीमा हैदर का केस कोर्ट में विचाराधीन है। जब तक इस केस में कोर्ट की तरफ से कोई फैसला नहीं आ जाता, तब तक सीमा हैदर को स्वस्थ रखना उनकी जिम्मेदारी है। स्वास्थ्य विभाग की टीमों को भी सीमा हैदर के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं। डीसीपी खान का कहना है कि सीमा हैदर के मामले में परिवार के लोग की भूमिका भी संदिग्ध है, उनकी भी तमाम बिंदुओं से जांच की जा रही है। दूसरी ओर सीमा हैदर और सचिन के मोबाइल फोन पुलिस ने जब्त किए हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद वह तमाम अन्य मोबाइल से अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक्टिव हैं। तमाम तरह की वीडियो वायरल कर माहौल खराब करने की कोशिश हो रही है। इसके चलते रबपुरा में अधिक संख्या में लोग पहुंच रहे हैं और कोई बड़ा हादसा भी हो सकता है। ऐसे में उनके सोशल मीडिया पर भी पुलिस निगरानी रख रही है। साथ ही भीड़ को कंट्रोल करने के लिए पुलिस की तैनाती रबपुरा गाँव में की गई है। इसके अलावा सचिन और सीमा हैदर मामले में दो लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। दोनों युवक सचिन मीना के रिश्तेदार बताए जा रहे हैं। इनको फर्जी आधार कार्ड बनाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने इन दोनों के पास से 15 फर्जी आधार कार्ड और 3 लैपटॉप भी बरामद किए हैं। साथ ही आधार कार्ड बनाने वाले डिवाइस भी बरामद हुए हैं। पुलिस अभी इस मामले में कुछ भी कहने से बच रही है। जांच कर रही पुलिस ने बुलंदशहर से पवन कुमार और पुष्पेंद्र कुमार को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपियों के पास से 15 फर्जी आधार कार्ड और 3 लैपटॉप बरामद हुए हैं। जानकारी के मुताबिक गिरफ्तार दोनों आरोपी जन सेवा केंद्र की दुकान चलाते हैं, जहां ये आधार कार्ड, पैन कार्ड, सरकारी फॉर्म भरने जैसा काम करते हैं। बताया जा रहा है कि दस्तावेजों में बदलाव के लिए सचिन और सीमा इन्हीं के पास आए थे। कुछ पैसों के बदले इन्होंने उनके सारे दस्तावेजों में बदलाव किए थे।